अल साल्वाडोर की राजधानी सैन साल्वाडोर में हुए ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता में निकारागुआ की शेनिस पलासियोस को साल 2023 की मिस यूनिवर्स चुना गया है। शेनिस पलासियोस को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला और थाईलैंड की एंटोनिया पोर्सिल्ड प्रतियोगिता की उपविजेता घोषित हुई। पलासियोस मिस यूनिवर्स बनने के साथ ही निकारागुआ की ऐसी पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। इस साल की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 84 देशों की मॉडल शामिल हुई थी। शेनिस पलासियोस ने आखिरी दौर में एक सवाल से सबका दिल जीता और जीत पक्की कर ली। उनसे जब पूछा गया था कि किस महिला के जूते पहनकर एक साल बिताना चाहेंगी, इस पर शेनिस ने 18वीं सदी की अंग्रेजी लेखिका और दार्शनिक मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का नाम लिया। वॉलस्टोनक्राफ्ट एक ऐसी लेखिका थी जो सारी जिंदगी महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ी। शेनिस ने उनका नाम लेकर और महिलाओं के बारे में बोलकर ज्यूरी का दिल जीत लिया। आपको बता दें कि शेनिस पलासियोस निकारागुआ की जानी पहचानी मॉडल हैं। उन्होंने साल 2017 में टीन मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में निकारागुआ का प्रतिनिधित्व किया था। 2021 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भी वो अपने देश की ओर से हिस्सा ले चुकी हैं। 23 साल की शेनिस पलासियोस मॉडल होने के साथ साथ वॉलीबॉल की अच्छी खिलाड़ी हैं। वह यूनिवर्सिटी लेवल पर वॉलीबॉल खेल चुकी हैं। शेनिस पलासियोस निकारागुआ की राजधानी मंगुआ में पली बढ़ी हैं। उनके पास मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। बहुत कम उम्र में ही वह मॉडलिंग की दुनिया में आ गई थी। वह 2016 में पहली बार चर्चा में आई थी जब उनको मिस सीन निकारागुआ 2016 चुना गया था। इसके बाद साल 2020 में शेनिस को मिस वर्ल्ड निकारागुआ चुना गया और अब उनके सिर पर मिस यूनिवर्स का ताज सज गया है। मिस यूनिवर्स शेनिस पलासियो को अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल ने ताज पहनाया। इवेंट में ऑस्ट्रेलिया की मोरिया विल्सन दूसरी रनर अप रही। वहीं भारत की ओर से इस इवेंट में 23 साल की श्वेता शारदा ने हिस्सा लिया था। हालांकि श्वेता टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाई। इस बार पाकिस्तान ने भी मिस यूनिवर्स पेजेंट में डेब्यू किया था, हालांकि वह भी टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सकी।